सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं गाइज गंगा ब्राइज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कानपुर से हैं और हमारे यहाँ के दिव्यांश यादव मोटो ब्लॉगर, वो भी कानपुर से ही हैं। तो गाइज उनसे मिलने के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं। एक समय था जब हम भी बहुत परेशान थे उनसे मिलने के लिए गाइज। तो हम लोग उनसे मिलने के लिए कारगिल पार्क भी गए थे, पर हम लोग मिल नहीं पाए थे क्योंकि हम लोग तब कुछ भी नहीं थे। तो गाइज आज आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम कुछ हैं, तो इसलिए हम लोग गंगा ब्राइज उनसे मिलने जा रहे हैं, वो वहीं पर आ रहे हैं। तो गाइज चलते हैं फिर और मिलते हैं उनसे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कारगिल पार्क में हम लोग गए थे और ये दिव्यांश भाई आ चुके थे और यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी, जिस वजह से हम इनसे मिल नहीं पाए थे। और आप ये देख ही सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है गाइज, तो इसलिए हम लोग यहाँ मिल नहीं पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग अटल घाट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से पुल बस थोड़ी दूर है, तो अब हम लोग वहाँ जाएंगे और वैसे ही आपको मिलाएंगे दिव्यांश भाई से। तो गाइस आप देख सकते हैं, अब हम लोग को वहाँ से चल दिए हैं, तो अब हम लोग पुल के पास जा रहे हैं और यहाँ से पुल बस कुछ ही दूरी पर है और जैसे ही हम पहुँच जाएँगे वहाँ पर, वैसे ही हम आपको दिव्यांश भाई से मिलाएँगे पुल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम गंगा ब्राइज पहुंच चुके हैं, गंगा ब्राइज के पुल पर पहुंच चुके हैं गाइज, और हमारा दिव्यांश भाई जो है वो यहीं पे आने वाले हैं, तो अब हम कुछ ही देर में उनके साथ होंगे गाइज। गाइज तो हम लोग यहाँ पर उनका वेट कर रहे थे, पर अभी हम लोगों को पता चला है कि गाइज वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ है, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, थोड़ा आउट एरिया में आ रहे हैं। तो अब हम लोगों को वहाँ पर चलना पड़ेगा। तो हम लोग अब गाइस यहाँ से जा रहे हैं, हम आपको वहीं पर मिलेंगे अब। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जैसा कि दिव्यांश भाई ने बोला है आउट एरिया में आने के लिए, तो अब हम लोग वहीं पर जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यही वो जगह है जहाँ पर दिव्यांश भाई आने वाले हैं और हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। तो गाइस आज हम लोग ना बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले भी उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, पर हम लोग मिल नहीं पाए थे। कारगिल पार्क गए थे, वहाँ पर भी इतनी भीड़ थी कि हम लोग मिल ही नहीं पाए, तो इसलिए फाइनली आज वो दिन आ चुका है जो हम लोग उनसे मिल पाएंगे, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। आज की खुशी अलग लेवल की है गाइज, और आप भी हमारे साथ इस ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। और अभी बस कुछ ही देर में वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो हम आपको दिखाएंगे जब हमारा भाई आ जाएगा, हमारे साथ होगा गाइज। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीच दिव्यांश भाई आ चुके हैं, हम लोग उनसे बातें कर रहे हैं और थोड़ी फ़ोटोशूट भी कर रहे हैं, और हमें गाइज पता चला है कि दिव्यांश भाई एल्विश भाई से भी मिलने जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं गाइज कि हम लोग कैसे उनसे बातें कर रहे हैं और फ़ोटोशूट कर रहे हैं साथ में। जैसा आपने देखा कि हम लोगों ने फाइनली दिव्यांश भाई से मिल लिया और मिलकर बहुत खुश हुई, हम लोगों की बहुत सारी बातें हुई गाइज, और वो अब एल्विश भाई से भी मिलने जाएंगे, तो उन्होंने ये भी हम लोगों से बताया है। तो गाइज ये सब सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना है गाइज, सपोर्ट इतना है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं गाइज, हम लोग दिव्यांश भाई से मिल पाए हैं। ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है गाइज, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, बहुत सारा प्यार दिखाइए इंस्टा पर भी, यूट्यूब पर भी, और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए गाइज, और दिव्यांश भाई पर भी अपना सपोर्ट पूरा बनाए रखिए। तो गाइज आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।